नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लाइव में। मैं हूं आपके साथ हारिस। प्रयागराज के दो नन्हे कलाकारों ने योगी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर एक गीत को तैयार किया है, जिसके बाद उस गीत को मेयर अभिलाषा गुप्ता ने अपने हाथों से लॉन्च किया। अब दोनों भाइयों की चाहत है कि जल्द से जल्द योगी आदित्यनाथ इन गीतों को सुने और आशीर्वाद दें। देखें हमारी ये खास रिपोर्ट। आज उस गीत को मेयर अभिलाषा गुप्ता ने अपने हाथों से लॉन्च किया। साईं बंधुओं के प्रयागराज के दो नन्हे कलाकारों ने योगी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर एक गीत को तैयार किया है, जिसके बाद आज उस गीत को मेयर अभिलाषा गुप्ता ने अपने हाथों से लॉन्च किया। साईं बंधुओं के नाम से मशहूर अमित साईं और आरओ साईं, जिनकी उम्र महज 11 वर्ष और 6 वर्ष है, इन दोनों भाइयों ने दो दिन में एक ऐसा गीत तैयार किया जिसके चर्चे अब जिले के साथ साथ पूरे देश में हो रहे हैं। मेयर अभिलाषा गुप्ता ने अपने कार्यालय में दोनों नन्हे कलाकारों को बुलाया और उनको सम्मानित किया, साथ ही साथ उनके द्वारा लिखे गए गाए हुए गीतों को भी सुना। इस मौके पर मेयर अभिलाषा गुप्ता का कहना है कि दोनों बच्चों के अंदर प्रतिभा तो है ही, साथ ही समझदार भी हैं। मेयर ने कहा कि प्रदेश के बड़े बुजुर्ग हों, जवान हों, महिलाएं हों या फिर छोटे छोटे बच्चे, अब वो भी योगी सरकार द्वारा किए गए कार्यों को समझ रहे हैं और गुणगान वाले गीत तैयार कर रहे हैं। दोनों बच्चों की इस अनोखी प्रतिभा को देखकर मेयर अभिलाषा गुप्ता ने कहा कि वो दोनों बच्चों को आशीर्वाद दे रही हैं, साथ ही आगे के लिए शुभकामनाएं भी। असित और आरव को ढेर सारी ईश्वर से कामना करती हूं कि ये आगे बढ़े। जो गीत इन्होंने गाया है योगी जी के सम्मान में, और ये सच बात है कि आज इनका भविष्य जो है, योगी जी जैसे अगर मुख्यमंत्री हैं हमारे, तो हमारे बच्चों का भी भविष्य आगे बहुत बेहतरीन है। और इन्होंने योगी जी के जो बुलडोज़र है, ये तो प्रयागराज में बुलडोज़र दिखाई पड़ा, इन बच्चों ने भी महसूस किया कि जब ये बुलडोज़र चला तो शहर की व्यवस्थाओं की पूरी चाक चौबंद हो गई। यहाँ तक जैसे बाहुबलियों का जो राज्य दिखाई पड़ रहा था प्रयागराज में, उसको नेस्तो नाबूद करने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया। तो जब बच्चा बच्चा गा रहा है मुख्यमंत्री जी के विषय में गान, और बच्चों को भी ये महसूस हो रहा है, तो मुझे लग रहा है परिवर्तन हो रहा है, और देश में मोदी जी का परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है और प्रदेश में योगी जी का परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। ये बच्चे ही हमारे कल का भविष्य हैं। ईश्वर से कामना करती हूँ कि जो आस और विश्वास लेकर ये उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी पर चल रहे हैं, वो आस और विश्वास पर निरंतर प्रगाढ़ता बनी रहे और ये बच्चे निरंतर आगे बढ़ें, ऐसी मेरी दिल से शुभकामना है इन दोनों के लिए और इनके पिताजी के लिए भी, जिन्होंने इन बच्चों को ऐसा संस्कारी बनाया, ऐसी संस्कृति के ऊपर आगे ले जा रहे हैं। तो मैं पूरे परिवार को, साई परिवार को और साई जो इनकी ब्रदर्स का जो गान है, उनको बहुत ढेर सारी बधाई दे। प्रयागराज में साई ब्रदर्स नाम से मशहूर प्रयागराज के इन नन्हे कलाकारों ने योगी सरकार के कार्यों से प्रभावित होकर यह गाना बनाया है। बड़े भाई अमित साई का कहना है कि जब वो छोटा था तो उसको अपने घर के आसपास बहुत गंदगी दिखाई देती थी, लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो गंदगी भी कम होती दिखी, साथ ही हर जगह सफाई कर्मचारी दिखने लगे, सड़कों का चौड़ीकरण हुआ और एक नई तस्वीर प्रदेश के लिए दिखाई देने लगी। जब मैं छोटा था तब मेरे घर के आसपास बहुत गंदगी, बड़े बड़े नाले नालियाँ होती थी, सड़क एकदम गड्ढे होते थे, सड़कों पर कोई भी लाइट नहीं होती थी, और ट्रेन में बहुत गंदी रहती थी, ट्रेन टाइम पे नहीं आती थी। तो जब थोड़ा सा बड़ा होता तब देखा कि शहर में बदलाव आ रहा है, सारे नाले ख़त्म हो रहे हैं और सड़कें चौड़ी हो रही है, सड़कों पर लाइट लग रही है। अच्छा, और तो क्या गाना आप लोग ने बनाया है, वो गाने की क्या बोल हैं? देखो यूपी में बाजे है बधाई, योगी जी को बधाई, मुस्कुराया हर चेहरा और खुशी है आई। देखो यूपी में बाजे है बधाई। योगी जी आपको अच्छे लगते हैं जी? उनके काम से हम लोग बहुत प्रभावित हैं। अच्छा, क्या चाहते हैं अब आप, ये गाना कहाँ कहाँ तक जाए? मैं चाहता हूँ कि इस गाने को योगी जी भी सुने और पूरा देश उनके कामों को जाने। कितने दिनों से ये गाना बना रहे थे आप? सर, हम लोग को हो गए 2 दिन। ठीक है,
अशित साई। असित बीते 7 सालों से म्यूजिक कंपोजर और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पर रिहर्सल कर रहा है, जबकि उसका छोटा भाई आरो 2 साल से गाना गा रहा है। दोनों भाइयों ने अपने घर में ही एक छोटा सा स्टूडियो भी बनाया है, जहां हर दिन दोनों भाई रिहर्सल किया करते हैं। अपने स्टूडियो में योगी आदित्यनाथ की तस्वीर भी लगाई है और एक पोस्टर भी तैयार किया है, जिसमे योगी आदित्यनाथ को बधाई देते हुए दोनों भाई नजर आ रहे हैं। गाने के बोल कुछ इस तरह है। साई ब्रदर्स पिछले 2 दिनों से इस गीत को बनाने में लगे हुए हैं। इससे पहले भी साई ब्रदर्स कई गीत गा चुके हैं, चाहे चुनाव के दौरान वोटिंग अवेयरनेस सॉन्ग हो या फिर कोरोना जागरूकता गीत। अब साई ब्रदर्स की चाहत है कि जल्द से जल्द योगी आदित्यनाथ इनके गीतों को सुने और आशीर्वाद दे। उत्तर प्रदेश में दोबारा योगी सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं, ऐसे में संगम शहर प्रयागराज में 2 छोटे-छोटे बच्चों ने एक गीत तैयार किया है। आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे यहाँ पर असित साई हैं, आरव साई हैं, साई ब्रदर्स हैं, और इन दोनों बच्चों ने योगी और योगी सरकार के ऊपर गीत जो है वो तैयार किए हैं और खुद ही इन्होंने गाने को कंपोज किया है और खुद ही गाना भी गाया है और म्यूजिक भी है इन्होंने ही बनाई है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि ठीक सामने यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की जो तस्वीर है वो भी यहाँ पर रखी गई है। ऐसे में साई ब्रदर्स का कहना यह है कि गाना सभी लोग सुने, साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ भी इनके गीतों को सुने और पूरा देश सुने। ऐसे में इनकी ये भी मांग है कि जल्द से जल्द योगी आदित्यनाथ इनसे मुलाकात भी करें, क्योंकि अगर हम बात करें तो पहले भी ये कई गीतों के जरिए लोगों को जागरूक कर चुके हैं, चाहे वो वोटिंग कैंपेन सॉन्ग रहा हो या फिर अन्य गीत रहे हों। तो ऐसे में छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो अब एक मिसाल भी पेश कर रहे हैं और योगी सरकार के 100 दिन को एक अलग तरीके से मना रहे हैं। वेड़ा जलने संगीत उपाध्याय के साथ सैयद आकिर रजा, प्रयागराज।